आज आप गुरु पूर्णिमा के लिए आए, गुरु के लिए आए। कुछ लोग नाम के लिए आए कि अब की बार नाम देंगे, हम भी चलते हैं। कुछ लोग प्रेम के कारण आए, कुछ लोग सत्संग सुनने के लिए आए, कुछ लोग अपने प्रश्न लेकर के आए कि हमारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो सबके कार्य साथ साथ होते रहते हैं। कुछ लोग कष्ट संकट लेकर के आए, उनके कार्य भी चल रहे हैं। और जितनी साधना करोगे आप, जितना सुमरण होगा, जितना हृदय को विशाल करोगे, उतना ही पात्र बनते जाओगे। आपके अंदर अक्षमता है करने की, कर सकते हैं आप। मैं जुनून देखता हूं लोगों का कि बुजुर्ग लोग, 85-90 वर्ष के लोग पैदल चल के आते हैं भाव के साथ। इतनी गर्मी में नंगे पैरों आते हैं, हम चले हैं नंगे पैरों गर्मी में, तो हमें अनुभव है कितना कष्ट होता है, कितनी परेशानी आती है। एक एक महीने तक पैरों के छाले नहीं जाते, त्वचा उतर जाती है, पैरों में जख्म हो जाते हैं, और ऊपर से समाज के लोग कि और चले जाओ गुरु के पास, वो बाकी रह जाते हैं। क्योंकि उन जख्मों से भी ज़्यादा उनको झेलना बड़ा कष्टकारक होता है, क्योंकि कोई कुछ भी बोलता है, परिवार वाले भी बोलते हैं। कुछ लोगों के तो परिवार वालों ने आज बोला महिलाओं को कि कहाँ जा रहे हो, इतनी भीड़ होगी, कहीं वहीं मर ना जाओ, उठा उठा करके लाने पड़ो। वो फिर भी आए, बोल बोल करके, उनके जवाब दे दे करके। कुछ लोग तो लड़ करके आए हमारे लिए, हमें दिख रहा हो ना दिख रहा हो, ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि हमारे गुरु की नज़र हमारे सब जीवों के ऊपर है, वो सब जीवों का ध्यान रखते हैं। मेरी नज़र वहाँ तक पहुँच पाए ना पहुँच पाए, लेकिन मेरे गुरु ने जो मुझे वचन दिया था वो अपना कार्य करते हैं, वो पीछे नहीं हटते। चाहे जो परिस्थिति हो, जो कारण हो, जैसे भी हो, चाहे इस देश में हो, चाहे विश्व के किसी भी देश में हो, क्योंकि आप लोग साक्षी हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, कार्य कहीं किसी देश में हो रहे हैं। शब्द का इतना प्रभाव होता है कि बोलते यहाँ हैं, काम ब्रह्मांड में होता है। मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं करता बनूँगा तो भोगना भी मुझे पड़ेगा। इस कारण से मैं तो सारा इकट्ठा करके अपने गुरु के चरणों में रख देता हूँ कि आपकी कृपा है, मेरा काम नहीं है, आपका काम है। मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है। ये लोग मेरे पास नहीं आए हैं, आपके पास आए हैं।
ये लोग मेरे से उम्मीद नहीं कर रहे, ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं। इस कारण से जो खेल शुरू होता है वो आपके हृदय में स्थित होने लगता है और आपके अंदर वो तेज, वो चरण अनुभव होने लगते हैं। इस कारण से मैं बोलता हूँ, बाहर की वस्तुओं से थोड़ा बचिए, अंदर की तरफ उतरिए, अध्ययन में जाइए, अपना अध्ययन कीजिए, खोज में उतरिए, अंदर में पहुँचिए, तो जो जितनी मेहनत करेगा ये आप साधना से समझ भी गए होंगे और अनुभव हो भी रहा होगा कि मेरे गुरु किसी की साधना और भजन जब हमारा नहीं रखा, हमने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं, आप लोग तो इतनी मेहनत करते हो तो आपका कैसे रखेंगे, वो करोड़ों गुना करके लौटा देते हैं। भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उन्हें, उन्हें आपके मन की आवश्यकता है, आपके आत्मा की आवश्यकता है, आपकी पुकार की आवश्यकता है, एक बार अंदर में जागने की आवश्यकता है। ये गुरु पूर्णिमा उत्सव उन गुरुओं के लिए मनाया जाता है जो जिसका गुरु होता है, शिष्य साधक वहीं पहुंचते हैं। पिछले आज भी बहुत लोग बहुत प्रकार के उपहार ले लेकर के जाते हैं, हम तो थोड़ा बचते हैं जिन उपहारों से। और मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी आप लोगों से कि ये इतना तो रखना याद कि यहाँ कोई उपहार लेकर के मत आइए। यहाँ उपहार लेकर के आना है तो मन लेकर के आइए, भाव लेकर के आइए, पवित्रता लेकर के आइए, आत्मा से आइए, हृदय से आइए, सब कुछ मिलेगा आपको कि मेरे गुरु का बड़ा दरबार है और करोड़ों लोग भी हुए वो सबको तृप्त करके भेजते हैं। जिसको जो चाहिए वो जो हाँ करते हैं उनके लिए हाँ ही होती है, शब्द नहीं बदली होता। तो आप साधना कीजिए, सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए। अगला सत्संग पूर्णिमा का, रक्षाबंधन का, आपको तो पता ही है 20 का होगा। आप साधना के साथ साथ, संसार के साथ साथ जीवन में उस परमात्मा की तरफ बढ़िए, परमात्मा आपके लिए कल्याण करेंगे और उस परम तत्व का आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ रहेगा। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।